हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे थे ना, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में क्या बताए हैं, इसका इंट्रोडक्शन बताए होंगे ना। ये ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, पाचन क्रिया में मदद करती है। हाँ, पाचन क्रिया में एलिमेंट्री कैनाल का मदद करती है। और इसमें कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाए हैं, सैलिवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड और लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यही ना। तो कल नहीं आए थे वो लिख लो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के कितने, 5 प्रकार हो गए। पहला नंबर में क्या आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, लीवर। चौथे नंबर पे क्या आएगा, पैंक्रियाज। और पांचवे पे क्या आएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यही ना। तो ये 5 ग्रंथियां हो गई जो कहाँ पाई जाती है, तो हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती है। क्योंकि पाचन तंत्र जो है, पाचन ग्रंथि और एलिमेंट्री कैनाल दोनों के मिलाने के बाद बनती है। जिसमें सब लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिए हैं, पाचन ग्रंथियां अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या हेडिंग करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड। हेडिंग कर लोगे, हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथि, ये ना। सुनो, सैलिवरी ग्लैंड जो है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वह ग्लैंड है जहाँ से क्या बनता है, सैलिवा बनता है। मतलब लार ग्रंथि हिंदी में कहेंगे तो लार ग्रंथि वो ग्रंथि है जहाँ पे क्या बनता है, लार बनता है। यही ना, जहाँ पे लार बनेगा लार ग्रंथि हो गई। और लार ग्रंथि कहाँ रहेगी, तो हमारे माउथ कैविटी के आसपास के एरिया में। माउथ कैविटी में नहीं रहेगी, प्रॉपर माउथ कैविटी में नहीं होती है लार ग्रंथि, माउथ कैविटी के आसपास के एरिया में ये पाई जाती है। ठीक है, लेकिन खुलती कहाँ है, तो माउथ कैविटी में खुलती है, ये बात यहाँ पे आता है। और लार ग्रंथि होती कितना है, तो पूरा 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और तीनों अलग अलग पाई जाती है, इनके मतलब लोकेशन के बेसिस पे इसके नाम दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते, वहाँ पर देखोगे, ये देखोगे, ये तो मेन हो गया माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी के चारों तरफ एक ग्रंथियां हैं। जैसे ये ऊपर की ओर एक ग्रंथी है, तो इसका नाम क्या हो गया, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये जो है ये जीभ है, जीभ के नीचे है, तो सब लिंगुअल कह देंगे इसको। सब लिंगुअल, ठीक है। उसके बाद से ये जो है सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ऐसा जो है लार ग्रंथि तीन जगह पे पाई जाती है, और तीनों स्थान के आधार पे इसके नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला पैरोटिड जो कहाँ होगी, ये हमारे कान जो होते हैं, कान के नीचे वाले हिस्से में होगी, यहाँ पे, है ना। और सब लिंगुअल हमारे जीभ के नीचे यहाँ पे रहेगी, और ये सब मैंडिबल ये और पीछे की ओर पाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है तीन अलग अलग जगह पे ग्रंथियाँ पाई जाएगी।
और तीनों जोड़ी में होगी, यानी कि ये भी दो की संख्या में, दो की संख्या में, दो की संख्या में, तो टोटल संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रंथियाँ जोड़ी में रहेंगी तो 3 जोड़ी कही जाएंगी। अब तीनों में क्या होगा, लार बनेगा, और लार जो है यहाँ से इनके नली के हेल्प से हमारे माउथ कैविटी में आके रिलीज होगा। जैसे इनका जो लार है, यहाँ से जो लाइनिंग दिख रही है, इनके हेल्प से यानी जीभ के नीचे से रिलीज होगा। ये जो है हमारे मतलब ये होंठ के आसपास के एरिया से ये नीचे वाला जो है ये रिलीज करेगा, और पैरोटिड जो है ऊपर से रिलीज करेगा। तो ऐसे अलग अलग हिस्से से ये लार ग्रंथियाँ क्या करती है, लार को स्रावित करती है, ठीक है। और इस लार में होता क्या है, तो म्यूकस होता है और अमाइलेज होता है, ठीक है, म्यूकस और अमाइलेज होता है। और ये अलग जैसे कि अमाइलेज जो है किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के एंजाइम इसमें देखे जाएंगे। तो लिखोगे,